मैं आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज फिर आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोअर पीसीएस से संबंधित जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उस पर मैं बात करूँगा। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ कंप्यूटर से संबंधित। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने किया? तो वो दोस्तों तो वान न्यूमेन ने किया था। अब दोस्तों फिर तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। फिर दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में दोस्तों है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महाक्रांति कब आई? तो दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में महाक्रांति 1960 ईस्वी में आई। और दोस्तों पांचवे क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। दोस्तों छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई? तो दोस्तों भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में हुई। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत जो डाक घर है वो कहाँ कहाँ का था? तो ये यह कहाँ का है दोस्तों? पहला प्रथम तो दोस्तों पहला है कंप्यूटरीकृत डाकघर या नई दिल्ली का है। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में सिलिकॉन घाटी वो बेंगलुरु को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यह PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।